कीट पतंग और ब्रह्मा भी चले गए, कोई न रहेगा अवसान। कीट पतंग और ब्रह्मा भी चले गए, तो पूछ रही हैं कि ब्रह्मा भी चले गए, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कुछ नहीं है जो मन से न निकला हो, मन ही जन्म है, मन ही मृत्यु है। व्यर्थ ही नहीं कहते हैं कबीर कि 33 कोटि देवता मरे हैं। हम्म, 33 कोटि देवता मरी है, कैसे, क्यों? बात सीधी है, क्योंकि वो सारे देवता हैं क्या, मन की उपज। जो मन से जन्म पाता है वो मृत्यु भी पाएगा, जिसका आना है उसका जाना भी होगा। ब्रह्मा मूर्त रूप है, उन्हें ब्रह्म न जान लेना। ब्रह्म से समस्त ब्रह्मा है और ब्रह्मा से समस्त ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भी जाएंगे, ब्रह्मा भी जाएंगे, जो ना आया है न जाया जाएगा उसको नाम भर दिया गया है ब्रह्म। वो नाम भी मन की खातिर दे दिया गया है, क्योंकि तुम्हें नामों के अलावा और कुछ सूझता नहीं। तो वो जो एक सत अविनाशी मूल तत्व है उसका नाम ब्रह्म है। उसके अलावा सब कुछ विनाशशील है, सब कुछ मरते हैं। वो जाएगा और हुआ भी यही है। भारत को ही ले लो, हिंदुओं को ही ले लो, वेदों के आरंभ के काल में जिन देवताओं की पूजा होती थी वो वैदिक काल के अंत तक आते आते अमहत्वपूर्ण हो गए। मरण और किसको कहते हैं, स्मृति में ही जिंदा थे और स्मृति से ही लोप हो गया उनका, तो मर गए। आज भी दुनिया में कम से कम 150 जीवित धर्म हैं जिनके अनुयायी हैं, हम्म, जिनके सिद्धांतों का और संहिताओं का पालन हो रहा है। जितने धर्म हैं उससे कहीं ज्यादा आकर के जा चुके हैं। कहाँ गए वो सारे देवी देवता? क्या आश्वस्ति है इस बात की कि ब्रह्मा नाम की परिकल्पना भी शेष रहेगी सुदूर भविष्य में? जब समस्त ब्रह्मांडों को काट दिया जाता है, जब समस्त ब्रह्माओं को काट दिया जाता है, तब जो खुला साफ व्यापक दिखाई देता है सो ब्रह्म है। ऐसा नहीं कि वो
काटने से पहले था नहीं, उसी में उपजना था और उसी में काटना था, सब उसी में था। जैसे कि करोड़ों लहरों वाला समुद्र, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, समुद्र तो बस है, लहरों के साथ भी है, लहरों के बिना भी है, बस है। लहर के दृष्टिकोण से जीवन है और मृत्यु है, क्योंकि कभी आई थी और कभी विलुप्त हो गई। सागर के दृष्टिकोण से न जन्म है न मृत्यु है, मात्र होना है, इसे जीवन कह सकते हो यदि चाहो तो। न चाहो तो नाम देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, जीवन कहने की आवश्यकता नहीं, और सागर भी ना कहो तो भी चलेगा, क्योंकि वास्तव में तुम जिसे सागर कहते हो वो भी मात्र एक लहर है, जिसको तुमने नाम दे दिया वो तो उस अनंत सागर की एक लहर बन जाता है, क्योंकि नाम तो सीमित को ही दिया जा सकता है, क्योंकि हम सीमित हैं इसीलिए नाम दे करके सब कुछ सीमित कर देना चाहते हैं। लहराने का नाम समुद्र है, तुम्हारा जो आम समुद्र होता है उसमें लहरें न भी रहें तो जल शेष रहेगा, ये जो अस्तित्व का महासमुद्र है इसमें लहरें ही लहरें हैं, जब लहरें हटती हैं तो शून्य शेष रहता है, आधा अधूरा शून्य नहीं, पूर्ण शून्य। तुझे लहरों को देखने का अभ्यस्त हो, उसे जब लहरें ना दिखाई दें तो वो कहेगा सब मिट गया, क्योंकि उसकी दृष्टि पकड़ ही बस लहरों को पाती थी। लहरें नहीं दिखाई दे रही, वो कहेगा सब मिट गया, पर जो जरा नजर वाले हैं, जिनकी आंखें जरा मर्म देखती हैं, वो कहेंगे कि जो है वो तो है ही, कुछ बदलता कहाँ है। तभी तो जानने वालों ने समय की व्यर्थता, समय की निस्सारता, समय की भ्रामकता को जाना है। समय का अर्थ ही है लहर का उठना, लहर का गिरना। उसी में हमारी सारी कहानी निहित रहती है, कभी धूप कभी छांव, कभी आना कभी जाना, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी जन्म कभी मृत्यु, कभी पाना कभी खोना, कुछ नहीं है, वही है, लहर उठी लहर गिरी, लहर उठी लहर गिरी। दृष्टि ऐसी रखिए जो लहरों को नाम न दे होने का, जो ये न कहे कि लहरें हैं,
जो लहरों के पार देखे, क्योंकि यदि आप लहरों को होने का नाम दोगे तो लहरों के ना होने को आप मृत्यु का नाम भी दोगे और आपका पूरा जीवन मृत्यु के भय में बीतेगा। आपके जीवन पर सदा एक विराम की छाया रहेगी, मृत्यु आ रही है, आ रही है, आ रही है, लहर जा रही है, जा रही है, जा रही है। दृष्टि ऐसी रखो जो उसी को न देखे जो उठ रहा है, गिर रहा है, जो चलायमान है, जिसमें स्पंदन हो रहा है, जिसमें गति हो रही है। वो गहरी गति के बीच भी उसको देखे जो अचल है, स्थिर है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ऐसे जैसे एक खुला मैदान हो और उसमें मात्र एक पेड़ खड़ा हो, लंबा चौड़ा विस्तृत मैदान और उसमें मात्र एक पेड़ खड़ा हुआ है। उस पेड़ को याद करो, आँख ही है, कुछ भी देख सकती है, लहर में जाके अटक सकती है। तुम्हारे चित्त पर है, तुम्हारा चित्त अगर लहरा रहा है तो उसे लहरें ही दिखाई देंगी। सब कुछ तुम्हारे मन में तो है, लहरें कहीं बाहर थोड़ी हैं, लहराते मन के लिए लहरें हैं और शांत मन के लिए समुद्र है। मन को समुद्रवत कर लो, बात आ रही समझ में? लहरों से कोई बैर नहीं, लहरें प्यारी हैं, लेकिन लहरों के मध्य रहकर भी भूलो मत कि तुम लहर में नहीं हो, समुद्र में हो तुम। और प्रमाण यह है कि लहर के साथ उठोगे, लहर के साथ गिरोगे, लेकिन रहोगे तब भी। तुम यदि लहर में होते तो लहर के जाने के साथ तुम खत्म हो गए होते। तमाम लहरें आईं और चली गईं, तुम्हारा होना अक्षुण्ण है, तुम लहर में नहीं हो। लगता हमेशा यही है कि लहर में हो, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में एक नई लहर होती है। तो तुम्हें भ्रम हो सकता है लहरों में जीवन है। जब कोई लहर नहीं होती, तुम तब भी होते हो, तब और ज्यादा होते हो, तब तुम्हें अपना होना और स्पष्ट पता चलता है। तो ये क्यों सोचते हो कि लहर गई तो हम गए? क्यों घबराते हो शांति से? क्यों डरते हो समुद्र से? बात जरा महीन है। लहर के अलावा समुद्र कुछ है नहीं। ये वो समुद्र है जिसमें लहरें हटा दो तो बस शून्य है। तो जीना तुम्हें लहरों में ही पड़ेगा। कोई ये उम्मीद ना करे कि लहरें सारी हट जाएं और हम शांत जल में तैरेंगे, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। जीवन माने लहरें, जीवन माने आघात, जीवन माने परिस्थितियां, जीवन माने कुछ ना कुछ चलेगा, ऊंच नीच। तो लगातार लहरें रहेंगी, उठोगे गिरोगे,
पर जीवन जीने की कला ये है कि लहरों में उठते गिरते भी ये एहसास हमेशा बना रहे कि लहर आनी जानी है, वास्तव में मैं समुद्र में हूं। हाँ, वो समुद्र कभी दिखाई ना पड़ेगा क्योंकि लहरों से पृथक वो कुछ है ही नहीं। आंखों से देखोगे तो लहर, आंखें समुद्र को कभी नहीं देख पाएंगी, दिल से देखोगे तो समुद्र। तो जीवन ऐसा रहे जिसमें आंखों और दिल दोनों से देखो, क्या दिक्कत है? आंखें क्यों बंद करनी है? लहर भी मजेदार है, सुख के भी मजे लो, दुख के भी मजे लो। सुख आए तो सुखी हो लो, दुख आए तो दुखी हो लो, पर दिल हमेशा आनंदित रहे, वो हमेशा शांत रहे। जैसे कि समझ लो कोई बच्चा है जिसे माँ हाथों में लेके झूला झूला रही हो, वो उसे कभी जोर से दाएं की तरफ करती है, कभी बाएं की तरफ करती है, कभी उछाल देती है, कभी नीचे को कर देती है। अब वो कभी दाएं है, कभी बाएं है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, पर जहां कहीं भी है गोद में ही। अब जरा मूर्ख बुद्धि बच्चा हो, माँ टीवी ज्यादा दिखाती हो तो डर सकता है, अरे बाप रे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। और जरा बच्चे जैसा बच्चा हो तो कहेगा ठीक है, कहीं भी हैं, एक ही जगह हैं, कहीं भी हैं, एक ही जगह हैं, कहाँ? गोद में। समस्या क्या है?